सिलेक्शन के बाद क्या हो रहा है क्या चल रहा है लाइफ में माय लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज मतलब पहले ऐसा था कि बिल्कुल बिजी रहते थे पढ़ाई में बिजी रहते थे। What's your take on the entire situation of 2019 result? इस पर तो मुझे एक एक शायरी याद आती है। तुझे पाने के लिए एक उम्र गवादी मैंने। हक तो बनता है कि तू अपना मैंने टेस्ट सीरीज काफी की है मैंने okay. बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज लगाई है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस का और क्या माहौल था इंटरव्यू सेशन मैंने दो इंटरव्यूज दिए हैं नमस्कार दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है जाइए उस लिंक को फिल कीजिए उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी आपको मिल सकती से, related, free career है वहाँ से एम पी पी रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग उसका फ़ायदा उठाइए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाई जी एस टी कैफे जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए थैंक यू सो मच स्टार्ट द वीडियो वेलकम टू इंडियन इंडियन एस्पिरेंट एस्पिरेंट शो शो के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन इनोवेटिव ऑफिसर से जिनका सिलेक्शन अभी रिसेंटली एमपीपीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर हुआ है हर नेम इज वर्षा पवार इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे चैट जीपीटी को यूज करके ए आई को यूज करके स्मार्ट स्टडीज करके एमपीपीएससी को क्रैक किया है सो प्लीज वेलकम वर्षा पवार ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो वर्षा आपका स्वागत so much, आप? awesome. like, है इंडियन नेशनल थैंक यू थैंक यू सो कंप्लीटली चेंज्ड मतलब पहले ऐसा था कि बिल्कुल बिजी रहते थे पढ़ाई hmm. में बिजी रहते थे अटेंड hmm. uh, नहीं कर पाते थे काफी सारी चीजें होती थी बुरा भी लगता था कि यार फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ समय नहीं बता पा रहे बट अभी लगता है कि हाँ वो मेहनत वर्थ इट थी राइट सो लेट अस स्टार्ट दिस पॉडकास्ट यूजअली हम लोग स्टोरीज से स्टार्ट करते हैं व्हाट्स योर स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ पीसीएसए सिलेक्टेड ऑफिसर क्या हुआ कैसे स्टार्ट किया और अभी क्या चल रहा है स्टोरी uh, तो बचपन से ही शुरू हो जाती है एक्चुअली hmm. uh, बचपन में दादाजी कहा करते थे कि hmm. मेरा बेटा मुझे लाल बत्ती की गाड़ी में घुमाएगा आई डिडंट नो बैक देन कि क्या होती है लाल बत्ती की गाड़ी hmm. कुछ नहीं पता था तब तक आ, ऐसा कुछ पता भी नहीं था सिविल सर्विसेज क्या होती है yeah. कैसे प्रिपरेशन दटिंग नथिंग नथिंग एट ऑल आफ्टर दैट धीरे धीरे करके गो विद द फ्लो कहते हैं तो गो विद द फ्लो में मैंने इंजीनियरिंग कर ली इंजीनियरिंग के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया प्लेसमेंट के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे लगा कि नहीं यार सिविल सर्विसेज करनी चाहिए एंड दैट इंसिडेंट वाज कि आई वाज विथ सम एनजीओ और हम एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में गए हुए थे तो एक एरिया में हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में गए वहां पर हम जब फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अचानक इतनी ज़्यादा भीड़ जो बहुत गुस्से में आई मेरे पास आई और मुझे उन्होंने कहा कि आपसे अच्छे तो नगर निगम वाले हैं कम से कम उनका खाना तो खत्म नहीं होता है वो एक टॉन्ट नहीं था वो एक रियलिटी चेक था वो एक रियलिटी चेक था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है और हम अगर इन लिमिटेड का यूज करेंगे तो वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाएगी right. ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगी राइट right. एक मित्र ने मुझे बताया कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है कैसा प्लेटफॉर्म होता है मैंने उनकी बात सुनी फिर मुझे पता चला कि जो आ, मेरे अंदर समाज सेवा का जो फील है या मेरी जो हॉबी है वो

2017 में मैंने एम का प्रिलम्स दिया बट uh, उस टाइम पर मेरी क्लासेस चलती थी रेगुलर क्लासेस यू की चलती थी okay. तो वहीं पर मेरी प्रिपरेशन यूपीएससी की चल रही थी सुबह आठ से रात को आठ आई वॉज इन द क्लास ओनली और दो महीने में मेरे मेन्स थे तो आई कूड टेबल टू क्लियर इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन मैंने 2018 दी एटीन uh, किसी वजह से 2018 मेरी क्लियर नहीं हो पाई प्रिलिम्स hmm. ही नहीं निकली देन टू थाउजेंड

तुझे पाने के लिए एक उम्र गवा दी मेरी मैंने हक तो बनता है कि तू अपना बना ले मुझे <laughs> so true. <laughs> तो that was the thing. 2019 तक जो हमने जिया वो जिंदगी थी 2019 से अब तक जो हम जी रहे हैं वो एक जीवन है जो बहुत ही पीड़ादायक जीवन है और मुझे लगता है कि इस पीड़ादायक जीवन का अंत बहुत जल्द होना चाहिए right. क्योंकि इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम यार छः साल

क्या चैलेंजेस होते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली जिस जिस तरीके से मैं इस सिचुएशन को समझता हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक लड़के के बाद मेल के पास में तीस दिन होते हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए महीने के एक लड़की के पास पच्चीस दिन ही होते हैं क्योंकि पाँच दिन उनको एनजाइटी होती है प्रॉब्लम्स होती है पेन होता है और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आई हैव सीन माई मदर सिस्टर फ्रेंड्स जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं हाउ ऑज य स्ट्रेटेजी अगर आपको पता है कि आपके पास पाँच दिन कम है एग्ज़ाम आ रही है और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर वो पाँच दिन आपके पास है तो आपका बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है

मैं अगर घर पर रहूंगी या मैं अपने रूम पर रहूंगी hmm. तो वो पेन को झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था बट अगर मैं कहीं बिजी हूं सपोज मैं लाइब्रेरी आ गई हूं या कोई क्लास मैंने अटेंड कर ली है hmm. तो आपका ध्यान बढ़ जाता है तो आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू कि मेरा ध्यान बढ़ जाए मेरा ध्यान पेन पे ना रहे मेरा ध्यान पढ़ाई पे रहे तो मैं ऐसे लेक्चर्स निकाल के रखती थी hmm. या मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती थी उस टाइम पर और मैं लाइब्रेरी जाती थी आई वॉन्ट दिस की हम इस इन सब के बारे में पॉडकास्ट में बात करना हमने इसलिए भी स्टार्ट किया है कि जो लड़के हैं अगर उनकी कोई फ्रेंड है फीमेल फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रही है कोई सिस्टर हो सकती है कोई दोस्त हो सकती है तो वो इस टाइम पे अपनी फीमेल फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं कि कैसे वो ओवरकम कर पाए अपना दाए, माइंड डाइवर्ट कर पाए लेट्स टॉक अबाउट योर एमपीपीएससी प्रिलिम्स स्ट्रेटेजीज प्रिलिम्स में प्री क्लियर करने के ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है क्या टैक्स है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक आप आइसप्रेंड के साथ शेयर करना चाहेंगे प्री uh, क्लियर करने की सबसे पहली टिप uh, तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए उसको देखने के बाद आप सिलेबस देखिए सिलेबस का हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो हर एक पॉइंट का प्रिपरेशन कीजिए तैयारी कीजिए यहाँ पर फैक्चुअल डिटेल्स ज्यादा पूछी जाती है या इयर्स पूछ लिए नंबर गेम भी चलता है यहाँ पर right. तो uh, मैं क्या करती थी कि मुझसे जैसे बैड इन नंबर्स तो आ, मैं एक कॉपी बनाई थी मैंने जिसमें मैंने जितने भी ईयर्स थे वो ईयर्स लिख रखे थे जैसे जैसे पढ़ती जाती थी कि आ, ये कब इस्टेब्लिश हुआ या समथिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये कब इस्टिश हुई hmm. ये मैं लिखती जाती थी और उसे रोज पढ़ती थी hmm. तो इससे ये फायदा होता है कि आ, यदि आप आ, किसी भी ईयर को याद कर रहे हैं और वो अचानक मुझे याद आ जाता था एग्जाम के टाइम पर याद आ जाता था कि हाँ okay. ये मैंने पढ़ा था ऐसा पढ़ा था तो वो मैं सही लगा के आती थी और मेरी गलती यही थी कि जितने भी नंबर्स वाले क्वेश्चन होते थे मैं भूल जाती थी okay. <laughs> तो पहला ये एम एमपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम से काफी क्वेश्चन आते हैं तीसरा करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे अवार्ड्स hmm. पूछे जाएंगे तो आप अवार्ड्स रट लीजिए मगअप द थिंग्स जब आप इन्हें मग अप कर लेते हैं तो आपको वो चीजें याद रहती है कभी कभी ऐसा भी होता था कि आ, काफी अजीब अजीब से नाम होते हैं नोबेल प्राइज में जैसे तो आप निमोनिक्स बना के पढ़ सकते हैं तो निमोनिक्स सबसे अच्छे रहते हैं जब आप निमोनिक्स बनाते हैं तो आपको याद रहता है वहां पर कि हाँ मैंने इसके लिए ये निमोनिक बनाया था तो आप कर लेते हैं राइट right. प्रस के बारे में हुआ के अंदर क्योंकि चूज द करेक्ट वाले ऑप्शन होते हैं आपको एक आंसर को सिलेक्ट करना पड़ता है राइट कंफ्यूजन कई बार होता है कि यार कौन सा सही है क्योंकि हम लोग फैक्ट्स में ऐसा कि से अगर एक दो साल ही ऊपर नीचे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं

आप अगर 1960 है किसी का आंसर तो आप 1960, 70, 80, 90 रखते हैं या 60, 61, 62, 63 नाइनटीन से hmm. जब आप उस तरीके से सोचते हो ना तो आपको लगता है आ, कि यार ये एग्जामिनर ने इस तरीके से अगर ऑप्शंस दिए हैं तो इसका आंसर ये होना चाहिए hmm. अभी जो प्रिलिम्स हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था आई डोंट रिमेंबर द थिंग नाबार्ड नाबार्ड का आया था ईयर इयर okay. आया था और ऐसा ही एक दो तीन क्वेश्चन थे जिसमें उन्होंने थोड़े बहुत घुमा फिरा के दे रखे थे लेकिन आप आप ये सोचिए कि जब आप उसको बना रहे होते तो आप कैसे बनाते right. तो अगर आपको आपको नहीं भी पता या 50 -50 hmm. तो एक एग्जामिनर की आंसर लगाया जा <laughs> <laughs> okay. सकता से सोल्व कर पाए मीन वॉज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज आई वॉज फ्राम इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी मार्केट uh, में अवेलेबल नहीं थे कोई भी बुक अवेलेबल नहीं थी काफ़ी इशूज होते थे तो hmm. मैं स्टार्टिंग बुक ही पढ़ती थी जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ ली ये बुक्स पढ़ रखी थी बट मीनस का सिलेबस भी हमें पॉइंट टू पॉइंट कवर करना होता है हर एक टॉपिक टू टॉपिक कवर करना होता है तो मैं ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में तो मैंने ऐसा किया था कि मैं नेट uh, से पढ़ती थी पूरा पूरा गूगल करती थी और गूगल पर क्या होता था ना कि आपने अगर एक टॉपिक डाला सपोज आपने आईएमएफ डाला तो बहुत सारी वेब पेजेस खुल जाते थे अब समझ में नहीं आता है कि आप कौन से वेब पेज को पढ़ोगे फिर तब चैट चा, जीपीटी नहीं था <laughs> <laughs> तो 2020 के एग्जाम के टाइम पे मैंने बहुत समय अपना इसी इन्हीं चीजों में लगाया कि एक वेबसाइट देखी वहां से कुछ कंटेंट उठाया दूसरी वेबसाइट देखी वहां से कुछ कंटेंट उठाया और ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन की थी बाकी थोड़ा यूपीएससी की प्रिपरेशन थी तो मैं वहां से क्लियर करी

तो मैंने टेस्ट सीरीज काफी लगाई टेस्ट सीरीज के अलावा मैं सिनॉप्स बनाती थी मेंस में सिनॉप्स uh, क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले आप वो सिनॉप्स पढ़ लोगे तो आपको काफी जानकारी हो जाती है राइट right. इसके लक्ष्मीकांत uh, रेफर की थी जोग्राफी well, like yeah, के लिए पीडीएफ uh, 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 मिलता है

अनप्रडिक्टेबल होते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो मेरा इंटरव्यू था वो थोड़ा सा हंसी मजाक में गया uh, मैंने एंट्री दी uh, सबको ग्रीट किया ग्रीट हुँ. करने के बाद मुझे बिठाया गया मुझसे क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी गई बॉम्बिंग बॉम्बिंग okay. कर दी गई एंड गौतम सर थे वहाँ पर एंड uh, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी आप गाना गाती हैं मैंने कहा सर गाती तो नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत गा लेती हूँ ज्यादा hmm. अच्छा तो गाना ओके सुनाइए क्या सुनाना है तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको गाना गाऊंगा hmm. वही गाना आपको रिपीट करना है okay. said, okay, did, उन्होंने चौपाई सुनाई थी तुलसीदास जी की चौपाई आई नेवर हर्ड अबाउट इट और वो चौपाई बहुत लंबी थी बहुत hmm. लंबी थी तो उन्होंने कहा मैंने गा दिया है पांच मिनट तक वो गाते रहे उन्होंने कहा मैंने गा दिया अब आप गाइए <laughs> मुझे याद नहीं थी लिरिक्स याद mm -hmm. नहीं थे तो मैंने कहा सॉरी सर बट आपने इतना अच्छा गाया कि मैं शायद ही आपको <laughs> वो तुलसीदास पे उन्होंने कहा कि आपने कोई चौपाइया पढ़ी है तुलसीदास mm -hmm. की मैंने नहीं पढ़ी थी उस टाइम पर mm -hmm. मैंने कहा सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ Uh, फिर उन्होंने वो तुलसीदास की चौपाई पे अटके हैं आफ्टर दैट ही सेड अच्छा आप डांस करती हैं मैंने कहा यस सर तो ठीक है hmm. ka, yes, Toh, तो हमें डांस करके बताइए थोड़ा सा आई थॉट कि मजाक कर रहे होंगे सर hmm. मैं खड़ी हुई अपनी चेयर uh, पर एंड ही सेड वहाँ वहाँ जाके आप करके बताइए hmm. मैं प्लेटफॉर्म पे गई प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उन्होंने बोला मैं गाऊंगा आपको डांस करना है okay. था, आई सर hmm. उन्होंने फिर तुलसीदास की चौपाई गई <laughs> <laughs> okay. अच्छा लगा मुझे वो भी काफी अच्छा माहौल था बहुत लाइट माहौल था उसके बाद मुझे बिठाया गया थोड़ी देर बाद मुझे फिर उठाया गया <laughs> <laughs> अब क्यों दिस टाइम उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे आ, उन्हें ऐसा लग रहा था मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो शायद मैं हिंदी के वर्ड्स नहीं लिख पाऊंगी <laughs> तो उन्होंने मुझे बोला हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे सामने बोर्ड है आपको ये वर्ड्स लिखने हैं ठीक है तो उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स दिए मैंने लिख दिए बैठ जाइए काफी लाइट माहौल था बहुत हंसी मजाक भी चला ऐसा इंटरव्यू था मेरा तो हाँ पे अंदर बोर्ड्स वगैरह भी अवेलेबल होते, है? होते हैं बोर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं बोर्ड्स होते हैं और जो आपको चाहिए जैसे अगर आपका पेपर क्राफ्ट कोई hmm. हॉबी है तो वो पेपर भी आपको दे देते हैं okay,

19 के बाद 23 आ चुका था मार्केट में भी नोट्स नहीं थे आई थॉट वॉट टू डू उस समय पर uh, मेरे बैक टू बैक एग्जाम्स थे जैसे प्रिलिम्स थी ट्वेंटी uh, ट्वेंटी की इंटरव्यू uh, भी था फिर hmm. उसके बाद फिर प्रिलिम्स थी फिर मेन्स था तो ये सब चल रहा था तो जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तब चैट जीपीटी मैंने सुना था फर्स्ट टाइम वहां पर आई थॉट गिव इट अ ट्राई तो मैंने चैट जीपीटी को डाउनलोड किया hmm. डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें कहा कि आप वर्षा नाम है मेरा रेन के ऊपर कोई पोयम सुनाई है ठीक है एंड रेन के ऊपर काफी अच्छी पोयम बना के उन्होंने दी मुझे लगा कि ये नेट से बना के उन्होंने कॉपी पेस्ट की होगी फिर मैंने गूगल पर चेक की नहीं वो मुझे पोयम कहीं नहीं मिली ओके okay. फिर दिमाग में आया कि व्हाई डोंट वी ट्राई इट फॉर 2019 मेंस सिलेबस फिर मैंने मेंस का सिलेबस उठाया एक-एक टॉपिक डाला उसमें उसमें सारी चीजें आती गई और मैंने वही सेव की और वहीं पढ़ा

Uh, कई सारे एस्पेरेंट ऐसे होते हैं जो इस वक्त हमें देख भी रहे हो मे मैं भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने घर से बाहर आकर इंदौर आकर पढ़ पाए तो ऐसी सिचुएशन में किसी एस्पेरेंट को क्या करना चाहिए कि उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए क्या वो घर से कर सकते हैं घर से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और अगर इंदौर आना चाहें तो क्या ऑप्शंस किस तरह से वो कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल घर से भी की जा सकती है घर से करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं जैसे मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया था गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब पे काफी चैनल्स भी मिल जाते हैं वो भी कर सकते हैं बट एक्चुअली नो वन कैन कम्पीट द ऑफलाइन क्लासेस क्योंकि वहां पर आपका मन ज्यादा लगता है और आप hmm. अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं कॉम्पिटिशन जब आपको मिलेगा तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे करेक्ट रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की तो मेरी भी ठीक नहीं थी फाइनेंशियल कंडीशन सोच तो लिया था कि आना है और पढ़ना है सबसे पहले मैंने दिल्ली का ही सोचा था बट uh, डेली इज नॉट सेफ फॉर वेमेन ऐसा है कि फिर पेरेंट्स uh, को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी तो उन्होंने मना कर दिया था okay. तो आई केम हियर इन इंदौर और uh, जब मैं इंदौर आई ना तब मुझे एक मतलब बहुत रियलिटी चेक्स हुए हैं तो एक और रियलिटी चेक ये मिला कि मेरे पास गांधी जी नहीं थे हुँ. मेरे जेब में गांधी जी नहीं थे हाँ. तो खान सर का एक कोट बहुत फेमस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि जेब में गांधी हो या ना हो दिल में एक आंधी जरूर होनी चाहिए तो अब रास्ते जो है ना वो अपने आप बनते जाएंगे सेम मेरे साथ भी हुआ आ, मैं आई कुछ मेरे अपनों ने मदद की कुछ मेरे मित्रों ने मदद की पेरेंट्स ने सपोर्ट किया ऐसे करके आ, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार की एक सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना करके स्कॉलरशिप स्कीम होती है okay. जो एस सी एस टी ओबीसी और ई डब्ल्यू एस के बच्चों को आ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए डेली भेजती है okay. उनके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है आ, hmm. उन ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए आपको एडमिशन मिल जाता है और आपको डेढ़ लाख तक की स्कॉलरशिप

पर अभी तक ऐसी कई सारी चीजें जो शायद मुझे ना पता चली हो तो इस, इस स्कीम के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और प्रोसीजर क्या होता है आ, स्कीम की इंफॉर्मेशन के पीछे मेरी भी एक स्टोरी है मेरी स्टोरी ये थी कि दिल्ली का मन तो बहुत था बट मैं जा नहीं पाई थी आ, पेरेंट्स ने ही मना किया था और पेरेंट्स ही मेरे पास ऑफर लेकर आए थे एक्चुअली मम्मी और पापा को न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बहुत शौक है

शी hmm. सेड कि इसकी लास्ट डेट कल ही है तो हमें कल ही जमा करना पड़ेगा. उन्होंने मुझसे फॉर्म फिलअप करवाया एंड hmm. पापा गए पापा ने फॉर्म सबमिट किया नेक्स्ट hmm. डे तक सबमिट हो चुका था भोपाल में और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे भोपाल बुला लिया था भोपाल में दस दिन की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग के पहले आपकी एक एग्जामिनेशन होती है Okay. उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है तो टॉप हंड्रेड स्टूडेंट्स जो रहते हैं एम के उन्हें मौका मिलता है प्रिपरेशन के लिए ओके okay. तो पहले एग्जाम दी एग्जाम क्लियर की उसके बाद फिर दस दिन की ट्रेनिंग भोपाल से की उसके बाद हम गए थे ओके okay. और एग्जाम हर साल होती है या साल में कई बार होती है कैसा क्या नहीं, साल में एक ही बार होती है और okay. वो भी आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलता है वैसे आपको पता नहीं चल पाएगा या तो न्यूज़पेपर या फिर जो एससी एस टी ओबीसी के जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में Hmm. वहां पर भी पता चल सकता है ओके, वी आल्सो ट्राई कि इस स्कीम की जो वेबसाइट वेबसाइट हो, अगर ऐसी कोई अवेलेबल होती, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में में या डिस्क्रिप्शन उसको किसने दिया है सबसे ज्यादा किसने आपको ड्राइव किया है इस पूरी प्रिपरेशन पूरी इतनी लंबी जर्नी के अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स काफी थे स्टार्टिंग में जैसे पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं आपको आपके आसपास के आपके रिलेटिव्स भी मोटिवेट करते हैं आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेट करते हैं धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स कम होते जाते हैं और जो 2019 के बाद का जो जीवन बीता है हमारा hmm. वहां पर तो कोई भी नहीं था so, so, so. <laughs> सबसे बड़ा उस समय पर जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो आप खुद होते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द की आप खुद को मोटिवेट करते रहिए मेरे साथ ऐसा होता था कि जब डिप्रेशन में रहती थी मैं बहुत डिप्रेस्ड थी उस टाइम पर तो आ, गिरती थी उठती थी फिर गिरती थी फिर उठती थी रोती भी थी फिर पढ़ने लग जाती थी तो ऐसा था कि मित्रों का जो साथ था उस समय पर वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि तुम करो तुम कर लोगी साथ में दादाजी मेरे वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर थे मेरे लिए मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है तो यही थे मोटिवेटिंग फैक्टर्स One more thing, कि आप पेरेंट्स के बारे भी parents आ, so answer, uh, hmm. uh, में बताइए की आपकी उज्जैन में रहने से पहले मेरा बचपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बाबा साहेब अम्बेडकर की नगरी महोक okay. एक छोटा सा गाँव है कुदरिया hmm. वहाँ पर भी था ठीक है कच्चा मकान जैसा होता है hmm. गांव में वैसा ही हमारा कच्चा मकान हुआ करता था फिर पापा का ट्रांसफर हो गया उज्जैन और फर्स्ट टाइम मुझे बाहर की मऊ से बाहर कुछ देखने को मिला बहुत एक्साइटेड okay. थी बहुत एक्साइटेड थी आ, तब मुझे पता चला पहली बार कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी होते हैं hmm. फिर मुझे पता चला अरे एम बोर्ड के अलावा सी और आई मीडियम्स भी होते हैं hmm. काफ़ी सारी नई नई चीज़ों से रूबरू करवाया है उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की नगरी है तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली तो मम्मी पापा के जो सैक्रीफाइसेज होते हैं ना वो तो अनकाउंटेबल सैक्रीफाइसेज होते अनकाउंटेबल आप अपना पूरा जीवन भी न्यौछावर कर दोगे ना तो वो भी कम है तो मम्मी की अगर मैं स्पेशली बात करूं मम्मी का ऐसा है कि मम्मी ने आज तक अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीदी अपनी पसंद से उन्हें राखी पर जो मामा जी देते हैं वो साड़ी वो पहन लेती हैं या चाचा चाची के पास से कभी आती हैं वो साड़ी पहन लेती हैं तो आज तक कभी उन्होंने अपने खुद के लिए एक साड़ी नहीं खरीदी पापा की बात करें तो पापा ऑफिस जाते जाते वो तीन दिन एक ही ड्रेस में चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बट उनके बच्चों के पास होना चाहिए right. पर्याप्त मात्रा में एवरी kind of काइंड तो यही है कि पेरेंट्स के तो सैक्रीफाइसेस है ना वो आप कभी चुका नहीं पाओगे जब आपने बोला कि यही सारी के घर में होती है और काफी रिलेटेबल है When I started repression, I came indoors with nothing. And then I started working on skills. Or And then we've grown up. All right, it's wonderful talking to you. And thank, thank you. you for joining us today on Indian Aspirant Show. Thank you. Thank you so much, Ashish. And thank you so much for invited platform for inviting me. I'm honored <laughs> to have you on the show. Thank you. <laughs> me too. <laughs> <laughs>